लखपत रामगेट स्थित एक गद्दा फैक्ट्री में अचानक भयंकर आग लगने का समाचार मिला है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उधर फैक्ट्री में आग की सूचना पाते ही सिटी थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग इतनी भयानक थी कि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि मैट्रिस इंडिया नामक इस फैक्ट्री में ऑपरेशन टेबल आदि के लिए गद्दे बनाए जाते थे और यहीं पर गोदाम बना हुआ था। उधर फैक्ट्री मालिक के भाई हुकम चंद मुताबिक लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। अब सवाल उठता है कि बार बार सरकार व प्रशासन के आदेश के बाद भी आखिर शहर के बीचों बीच ये फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं हो रही। गनीमत रही कि आग पर समय रहते ही काबू पा लिया गया, अन्यथा ये आग पूरे मोहल्ले में तांडव मचा सकती थी। डॉक्टर की लाइन की, अब मैं आया ना तो यहाँ आग लग रही थी, बस इतना पता मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान से लग गया, ये नहीं पता बहू जी। मैं तो दुकान में बैठता नहीं, डॉक्टरी लाइन की है जी। गद्दे गुद्दे बनाए हैं, गद्दों की फैक्ट्री है। अब ये देखो उनके ऊपर है जी, मेरे को तो पता भी नहीं कितना क्या माल था क्या नहीं था। भाई साहब बता दें, मेरा नाम तो हुकम चंद है। प्रयास जो है वो जारी किए जा रहे हैं बुझाने के, और किस क्या चीज़ है ये, किसमें आग लगी है? ये एक गत्ता फैक्ट्री है और शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी है और करीब 1 घंटा पहले, और प्रशासन इस मामले में जागरूक देखा गया है। प्रशासन को फायर ब्रिगेड की 9-10 गाड़ियां आ चुकी हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ है और जोर शोर से उस आग को बुझाने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। समय पे ये कर्मचारी आए हैं। कितनी गाड़ियां यहाँ पर आई हैं, कितना नुकसान की संभावना है? 9-10 गाड़ियां यहाँ फायर ब्रिगेड की कम से कम आई हैं और वो पूरी तन्मयता से पूरे उससे काम कर रहे हैं और लाखों रुपए का नुकसान इसमें होने का अंदेशा है। हाँ, आग पर काबू पा लिया गया है और लगभग बुझ ही चुकी है आग, नुकसान काफी हुआ है। आपके नजदीक काफी वहीं खड़े मौके पर पहुंचे हैं सर, क्या सूचना मिली थी, कितनी जो गाड़ियां हैं अब तक मौके पर? करीब 2 घंटे पहले सूचना मिली कि यहाँ जो फैक्ट्री है उसमें आग लग चुकी है, और ये एरिया जिसमें आग लगी हुई है ये वार्ड नंबर 26 जिससे मैं पार्षद हूँ, मेरा एरिया पड़ता है। बहुत ही दुख की बात है, एक आदमी अपना बिजनेस से काफ़ी लोगों को रोजगार भी दे रखा था और शॉर्ट सर्किट से जो आग लगने का हमें पता लगा है, उसके बाद हम मौके पर यहाँ पर पहुँचे। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हम पूरे प्रयास में, हमने जितनी भी हमारे पास गाड़ी है फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियों को ऑर्डर करके, मतलब कोई कमी ना रह जाए, और पूरा पुलिस यहाँ पर कम से कम 8 और 9 गाड़ियाँ तो अब तक आ चुकी हैं और रूटीन में लगातार, मतलब आग बहुत ही जल्द आग पे काबू पा लिया जाएगा क्योंकि मटेरियल ज़्यादा था। अभी वो मालिक हैं जो घनश्याम जी, वो हमारे अच्छे उठने बैठने दोस्त हमारे, अभी वो मिल नहीं पाए हैं। उनके मिलने के बाद जैसे भी जो होगा हम उनसे, क्या अंदाजा लगाया जा रहा था कितना नुकसान हुआ? काफ़ी लाखों में, मतलब पूरा, क्योंकि जो आग का जो नज़रिया है और हमारी जो नॉलेज में है लाखों की, मतलब उसमें नुकसान हुआ है। ये पतराम गेट का एरिया है, सिटी का एरिया पड़ता है जैन चौकी में, और गद्दा वगैरह बनते हैं इस फैक्ट्री में, उसमें आग लगी थी। तो अब हमने काबू कर लिया है उसे 90% करीब, हम उसमें कोई कैजुअल्टी अब तक है नहीं किसी प्रकार की, माल का नुकसान हुआ। ये अभी हमारी 6ठी गाड़ी आई है और गाड़ियाँ हो रहा लग रही है, कंप्लीट अभी हो जाए थोड़ी देर में।